साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने अभी तक राजस्थान में सीएम फेस को किसी के सामने नहीं रखा है। वहीं दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बना दी गई है। चुनाव की रणनीति को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। खबर आई है कि बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करना चाहती है। एमपी में हाल ही में जारी हुई लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश वाली रणनीति छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल सकती है। यहां केंद्रीय मंत्री, सांसदों और बड़े नेताओं को पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट लगभग तय हो चुकी है, ये 2-3 दिन में जारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। रविवार को हुई बैठक में 69 सीटों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है। पीएम मोदी भी इस चुनावी समर में उतर गए हैं। वो रविवार को तेलंगाना में थे, उससे पहले लगातार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी आने वाले सोमवार और गुरुवार को भी फिर से मध्य प्रदेश में होंगे। ग्वालियर, जबलपुर का वो दौरा करने वाले हैं। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में रविवार शाम को ही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।